का पुत्र, सूरज का बेटा, दीपक मंच पर, श्रीमती सुलक्षणा चौगले जी, श्री करुणा शंकर श्रीवास्तव जी, एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर, श्री एस एल माधव राव, डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक्स डायरेक्टर, महिला शुगर मिल्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी श्रीमती सुलक्षणा चौगले, दिलरंग एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के सेक्रेटरी श्री वजाहत हुसैन खान साहब, श्री रफत हुसैन खान साहब, जो बात हम आपसे कह रहे थे कि सूरज के अनुपस्थिति में, सूरज के न होने पर सूरज का पुत्र दीपक अपने पिता सूर्य से ये प्रॉमिस करता है कि आपकी अनुपस्थिति में हम निरंतर जलते रहेंगे और जग को प्रकाशित करते रहेंगे, तब से आज तक दीपक सूरज की अनुपस्थिति में जलता रहा है और इस धरा के अंधेरे को दूर करता रहा है। यही प्रतीक हम यहाँ प्रज्वलित करके आयोजन का आरंभ करते हैं। ये हमारी परंपराओं में शामिल है। हमारे अतिथिगण दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। वृंदा जी ने जो बंदिशें गाई, उन्हीं की बंदिशें थी आपके सामने पहुंची, क्योंकि ये वर्षों का जो रिसर्च है और जो संगीत के प्रति, मौसीकी के प्रति जो डेडिकेशन है दिलरंग साहब का, वो आज आपके सामने है। हम उस्ताद असलम खान साहब को इनवाइट करें स्टेज पर। बस जो स्टेज की व्यवस्था होती है उसके लिए 5 मिनट का हम वक्त चाहेंगे आपसे, और ये चाहे तो आप समझ लें 5 मिनट का मध्यांतर, और आप 5 मिनट के अंदर ही आ जाएं ताकि हम शुरू कर सकें। धन्यवाद। दिलरंग एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला एकेडमी की ओर से हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और ये भी बता दें कि आपको परेशानी हो रही थी, इसने हमने एयर कंडीशन बहुत लो करवा दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ का नॉर्मल हो जाएगा और आप आसानी से संगीत का आनंद उठा सकेंगे। एक सूचना हम आपको पहले से दे दें, आज जिस कारण से हमें क्षमा याचना करनी पड़ी थी, कल भी थोड़ी इस तरह की संभावना है, लेकिन हम कल शाम 7:30 बजे अपना कार्यक्रम आरम्भ करना चाहते हैं। आप 7:30 बजे तक ज़रूर पधारें, इस बात का ख्याल रखेंगे, और हम ठीक 7:30 बजे आरंभ कर देंगे। मित्रों, सौभाग्य और संयोग देखिए कि पीएल देशपांडे जैसे महान साहित्यकार, जो खान साहब के प्रशंसक थे, उन्हीं के नाम पर बनी संस्था के सहयोग से हम यहाँ पर आयोजन कर पा रहे हैं। पूला देशपांडे जी ने खान साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और लिखे भी क्यों ना, क्योंकि खान साहब ने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बनाई, महाराष्ट्र में बहुत काम किया, यहाँ के संगीत में जो उनका योगदान है अतुलनीय है, संगीत की जो सेवा की है उसका तो सच कहा जाए तो संगीत जगत हमेशा के लिए कर्जदार बना रहेगा। उन्हीं के योगदान को याद करने के लिए, उन्हीं के बंदिशों को यहाँ गाएं, हमारी कोशिश यही होगी। आज मंच पर उन्हीं के
उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उस्ताद असलम हुसैन खान साहब यहाँ विराजमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। संगीतज्ञों के संगीतज्ञ उस्ताद असलम हुसैन खान साहब घरानेदार संगीत की 500 साल पुरानी परंपरा के प्रतिनिधि संगीतज्ञ हैं। बहादुर शाह जफर के कोर्ट म्यूजिशियन, हापुड़ घराने के उस्ताद शादी खान साहब और उस्ताद मुराद खान साहब के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने संगीत की शुरुआती तालीम अपने मामा खुर्जा घराने के उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन खान साहब से हासिल की। इसके बाद मुंबई चले आए और इसके बाद हिंदुस्तान के मशहूर संगीतज्ञ अपने बहनोई गायन सम्राट उस्ताद अजमत हुसैन खान साहब दिलरंग, जिनकी स्मृति में, जिनके याद में हम ये आयोजन कर रहे हैं, उनसे 20 वर्षों तक तालीम हासिल करते रहे। आपको हम याद दिला दें कि वे अतरौली जयपुर घराने के थे। इसके अलावा आगरा घराने के मशहूर संगीतज्ञ उस्ताद विलायत हुसैन खां प्राणप्रिया और उस्ताद खादिम हुसैन खां से भी तालीम हासिल की। इन्होंने कई घरानों की गायकी सीखी और उसमें अपनी एक नई शैली विकसित की। आप ठुमरी, दादरा, टप्पा, तराना, गज़ल और सूफी संगीत उतने ही अधिकार से गाते हैं और सुनने वालों को मोहित करते हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्लासिकल, गज़ल और सूफी म्यूज़िक के 50 CD लगभग आप संगीत प्रेमियों के बीच हैं। भारत के अलावा आपने यूनाइटेड किंगडम, UAE, ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान जैसे अनेक देशों में आपने अपनी प्रस्तुति की है, अपने सुनने वालों को मुग्ध किया है। शास्त्रीय संगीत के बंदिशें खुशरंग के नाम से आप कंपोज किया करते हैं। आपने जो सीखा है, कहते हैं कि जो हम लेते हैं वो हम पर कर्ज हो जाता है और उसे अदा करना होता है। इसी अदायगी के लिए आपने अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को बड़ी शिद्दत से सिखाने का काम किया है। आपके शिष्य बड़ी तेज़ी से इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ गायन में होंगे श्री वजाहत हुसैन साहब। वजाहत हुसैन खान साहब गायन सम्राट उस्ताद अजमत हुसैन खान दिलरंग साहब के बेटे और शागिर्द। आपने शास्त्रीय संगीत में अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। शास्त्रीय संगीत के अलावा अमीर खुसरो के सूफी संगीत, गज़ल और तराना गायकी में भी आपने महारत हासिल की है। अपने वालिद के इंतकाल के बाद आपने अपने मामा आज के महान गायक खान साहब बैठे हुए हैं, आपसे तालीम हासिल की। आपने अपने देश में बहुत सारे मंचों पर प्रस्तुति की, इंग्लैंड, स्पेन, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अफ्रीका, UAE, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जापान जैसे देशों में भी अपनी प्रस्तुति की है और वहाँ सुनने वालों को मोहित किया है। आप संगीतज्ञ और कवि भी हैं, आजकल संगीत के इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। खान साहब के एक और शागिर्द जो तानपुरे पर हैं और वोकल सपोर्ट के लिए भी हैं, श्री उमेश चौधरी। खान साहब, जैसे कि हमने शुरू में कहा, दिलरंग साहब की जो बंदिशें हैं 1945 में जो बंदिश थी वो पेश करेंगे राग चंद्रजोग की प्रस्तुति से। और हम चाहते हैं कि आप सभी की जो मन की भावनाएं हैं, मन में जो आदर है संगीत के प्रति, संगीतज्ञों के प्रति, वो आदर फूलों के माध्यम से व्यक्त हो। तेजल और कविता से हम निवेदन करते हैं, यहाँ पर आएँ, उस्ताद असलम खान साहब का सम्मान फूलों से करें।